नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएन बॉलीवुड और मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। और आज हम बात करेंगे विद्या बालन की। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस जिन्होंने 16 साल की उम्र से अपने करियर की शुरुआत की और आज वो 41 साल की हो गई। आज 41वां बर्थडे विद्या बालन मना रही है। विद्या बालन का जन्म 1 जनवरी 1989 को मुंबई में हुआ था। विद्या ने मुंबई से ही अपनी पढ़ाई पूरी की। कहानी डर्टी पिक्चर, इश्किया और 5 ऐसी फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा बिखेरने वाली विद्या बालन के करियर में एक ऐसा वक्त भी आया था जब उन्हें कई फिल्मों से निकाल दिया गया था। विद्या बालन की पहली फिल्म रही परिणीति, जिसे दर्शकों ने खूब सराहा। उनकी एक्टिंग को भी खूब पसंद किया गया। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि विद्या बालन को पहला रोल 40 स्क्रीन टेस्ट और 17 मेकअप शूट्स के बाद मिला था। हिंदी फिल्मी जगत में विद्या बालन ने अभिनेत्री की परिभाषा को ही बदल डाला है। फिर चाहे वो डर्टी पिक्चर में सिल्क का किरदार हो या फिर नो वन किल जेसिका, विद्या ने बेगम जान, इश्किया और हमारी अधूरी कहानी जैसी फिल्मों में दमदार एक्टिंग की। विद्या ने साल 2012 में जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी कर ली। विद्या की ये पहली शादी थी, वहीं सिद्धार्थ तीसरी बार शादी के बंधन में बंधे थे। आखिरी बार विद्या बालन अक्षय कुमार के साथ फिल्म मिशन मंगल में नजर आई थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की थी। और अगर वर्क फ्रंट की बात की जाए तो जल्दी ही विद्या बालन शकुंतला देवी बनकर आने वाली है। हालांकि आपने ज्यादातर फिल्मों में विद्या बालन को सूट साड़ी ऐसे ही अंदाज में देखा होगा, लेकिन इस बार साड़ी के साथ साथ बॉबी हेयर कट में काफी वो दिलचस्प नजर आ रही है। फिल्म 8 मई को रिलीज होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।